और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल अजमेर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे जयपुर से अजमेर के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 1:15 बजे के करीब गराहेड़ा पहुंचेंगे। यहां पर सीएम भजनलाल जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे केकड़े के भांडावास में शिविर का अवलोकन करेंगे और 4 बजे के करीब फिर से सीएम का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो कल मुख्यमंत्री का 2 जगहों पर यह महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है और पहला दौरा उनका अजमेर में होगा, जहां पर तकरीबन 1:15 बजे सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां पर आपको बता दें विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे और उसके बाद फिर उनका आगे केकड़ी जाने का भी कार्यक्रम है और वहां पर भी भांडावास में जो शिविर आयोजित की जा रही है उसका अवलोकन करेंगे। तो 1:15 बजे के करीब सबसे पहले गराहेड़ा पहुंचेंगे सीएम और यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में अवलोकन करेंगे, किस तरीके से शिविर में कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर सीएम जायजा ले रहे हैं। आज भी राजसमंद मेवाड़ के दौरे पर सीएम रहे हैं और तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाना इस शिविर का उद्देश्य है। हर एक जन तक, पात्र व्यक्तियों तक सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचे, उनको लाभ मिले, इसकी कोशिश है। और कल का जो दौरा है उसको लेकर जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। शशि, कल भी सीएम के महत्वपूर्ण दौरे होने जा रहे हैं, 2 जगहों पर सीएम शिविर का अवलोकन करेंगे और क्या कुछ सीएम का कल का कार्यक्रम रहने वाला है? सीएम कल अजमेर जाएंगे जहाँ 2 कार्यक्रम होंगे। हालांकि केकड़ी जिला जो नया बना है वो भी पहले अजमेर में था, इस लिहाज से देखें तो अजमेर का दौरा है और वैसे 2 जिले हैं अजमेर और केकड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का अवलोकन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके इसके लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। उससे पहले दोपहर 12 बजे जयपुर में एक कार्यक्रम है जहाँ राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उससे पहले जयपुर से श्रद्धालु अपनी श्रद्धावश तेल रवाना करना चाहते हैं तो बड़ी संख्या में तेल के सीपे जो राम मंदिर में दीप प्रज्वलन के लिए काम में ली जाएंगे अयोध्या में उनको रवाना करेंगे। 2100 पीपे तेल के जयपुर से रवाना किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना करेंगे और दोनों ही कार्यक्रम इस तरह के हैं कि सरकार से भी लोगों का जुड़ाव हो और संगठन से भी लोगों का जुड़ाव हो सके, इसके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है शशि मोहन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।